जरांगे पाटिल के अचानक कुंभी प्रमाण पत्र की मांग के बाद गरीब ओबीसी समुदाय में डर का माहौल है। जब ओबीसी के संख्या से आधा आरक्षण है उसमें नई हिस्सेदारी हो जाएगी तो ओबीसी को आरक्षण में न्याय नहीं मिलेगा। इसी मुद्दे पर आज राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबन राव तायवाड़ी ने पत्र परिषद लेकर पत्रकारों से संवाद साधा। पत्र परिषद के दौरान तायवाड़ी बोले कि 22 दिनों तक अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन करने के बाद सरकार ने बैठक की और हमें आश्वासन दिया कि हम मराठों को ओबीसी में आरक्षण नहीं देंगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार ने वादा तो किया है लेकिन जो आंदोलन चल रहा है वो बिना आरक्षण के वापस नहीं होगा। 54 लाख रिकॉर्ड मिले हैं। सरकार को स्पष्टीकरण देकर ओबीसी को संतुष्ट करना चाहिए, ऐसी मांग भी पत्र परिषद के दौरान बबन राव तायवाड़ी की ओर से की गई। 5-6 महिन्यापासून या राज्यामध्ये मराठा आरक्षणाचं जे वादळ सुरू आहे आणि त्यामुळे ओबीसी समाजामध्ये एक जे भीतीचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे, एक संभ्रमाचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे। आमचा सामान्य ओबीसी, गोरगरीब ओबीसी या चिंतेमध्ये आहे की आम्हाला जे काही संविधानाने एकूण लोकसंख्येच्या अर्ध्यापेक्षाही कमी आरक्षण मिळालेलं आहे हे आमचं टिकून राहणार की आमच्यामध्ये नव्याने वाटेकरी येणार, आणि म्हणून जेव्हा मराठा समाजाने सरसकट कुणबी प्रमाणपत्राची मागणी केली आणि मराठा समाजाला ओबीसी समाजातून आरक्षण द्यावं ह्या दोन मागण्या आल्या तेव्हा या राज्यातील संपूर्ण ओबीसी समाज, ओबीसी समाजाकरता काम करणाऱ्या विविध संघटना ह्या संघटित झाल्या आणि आपल्या संविधानिक अधिकाराचं रक्षण करण्याकरता सातत्याने आम्ही 22 दिवस संघर्ष केला, ज्यामध्ये नागपूरला साखळी अधिवेशन मोर्चा, चंद्रपूरला आमरण उपोषण मोर्चा, गोंदियाला मोर्चा, खामगावला मोर्चा, जालन्याला मोर्चा, तिकडे शहापूर, ठाणे, पालघर, पुणे अशा विविध जिल्ह्याच्या ठिकाणी मोर्चे काढून आम्ही आमच्या संविधानिक अधिकाराच्या रक्षणाची मागणी राज्य सरकारकडे लावून धरली। 54 लाख रिकॉर्ड मिलने से मराठा समाज खुश है लेकिन ओबीसी समाज दहशत में आ गया है। अगर सरकार प्रदर्शनकारियों के दबाव में आई तो 400 जातियों का ओबीसी समुदाय सरकार को सोने नहीं देगा। हम मुंबई की ओर मार्च करेंगे, ऐसा इशारा भी इस दौरान राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ द्वारा दिया गया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।